अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और दोस्त समीर इशाक और आप देख रहे हैं उर्दू सफ़र। आज हम लोग अचलपुर में हैं। तारीख की सिटी है, ये तारीख की शहर है अचलपुर। और हम लोग यहां पर एक ऐसे टपरी पे बोलेंगे या होटल में बोलेंगे जहां पर हम लोग चाय पीने आए हैं। तो यहां की काफ़ी फेमस चाय है और चाय पीने के लिए आए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये काफ़ी भीड़ लगी यहाँ पर चाय के लिए। और ये देखिए, ये चाय जो है, ये ख़ास बात इसकी ये है कि ये गैस पे नहीं बनती है, ये कोयले पे बनती है पूरी तरीके से। और ये देखिए आप, कितना दूध है, मतलब काफ़ी सप्लाई होती है चाय। और ये पूरा इनका फ्रीजर भरा हुआ है दूध से। ये देखिए, ये चाय जो है, ये भट्टी पर, जो भट्टी होती है कोयले की, उस पर बन रही है। जैसे पुराने ज़माने में जो चाय बनती थी, चाय पीते थे और जिस तरह बनाई जाती थी, सेम उसी तरह की प्रोसीजर यहाँ पर है। तो ये देखिए, हम लोग भाई से बात करेंगे, भाई का नाम जानेंगे और कब से है और किस तरह से, मतलब ये चाय बनाई जाती है, ये पूरी मालूमात आपको हम लोग शेयर करेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? शेख नाजी। शेख नाजी, कब से लगा है ये दुकान? दुकान बहुत पुरानी है, हमारे अब्बा चलाते थे। अच्छा। दुकान को 80-90 साल हो गए है ना। अच्छा, बहुत पुरानी होता है। तो क्या क्या मटेरियल इसमें चाय में यूज़ करते हैं? जो घर में चाय बनती है और ये जो चाय है, और तो जो बाकी जगहों पे जो चाय बनती है, उसमें इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? जैसा सेम ही है, जैसा जो घर के लिए लाते हैं वो अलग है, कि जैसा पत्ती हम अलग वापरते हैं, जैसे बड़े आती है भट्टी की चाय। ये मेन जैसा क्या है, भट्टी की चाय। अच्छा, भट्टी की चाय और गैस की चाय में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है उसमें। अच्छा, इसकी सौंधी चाय बनती है इसकी। जैसा फेमस है हमारी चाय, पुरानी है होटल। आपके वाली साहब शेख गुलाब, उन्हीं के नाम पर? हाँ, उनके नाम पे है। आप कहाँ, यहीं अचलपुर? हाँ, यहीं अचलपुर है। देखिए, काफ़ी भीड़ लगी हुई यहाँ पर ये चाय पीने के लिए। ये देखिए, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लग चुकी है ये चाय पीने के लिए। कुछ लोगों से भी बात करेंगे हम लोग, चाय कैसी लगी उनको। ये काफ़ी दमदार इंसान लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? शेख रिजवान जी। रिजॉर्ट में आपको चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या खास है इस चाय में? हाँ, बचपन से चाय पीते हैं। बचपन से चाय पीते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये दूध डेयरी भी उनकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ जी, और एक यहाँ पर चाय के शौकीन मौजूद है। क्या नाम है आपका? शेख अमजद। अमजद भाई, कब से चाय पी रहे हैं यहाँ पर? मैं लगभग 2007 में यहाँ जब शॉप खोला था, तो मुझे इनके वालिद साहब के पास में चाय पीता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ अचलपुर परत वाला जुड़वा शहर है, तो यहाँ परत वाले के भी कुछ ऐसे शौकीन हैं क्या, गुलाब भाई के नाम से यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। और चाय इस क्वालिटी की बनती है यहाँ पे, यहाँ मतलब भट्टी की चाय बनती है और एकदम सौंधी मिठास, तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग चाय पीने के लिए आते हैं। कैसी लगी आपको यहाँ की चाय? कब से जी? बहुत सालों से यहीं पीते हम चाय। अच्छा, फेमस है ये शेख गुलाब भाई होटल वाले। जी जी, बता रहे थे कि 80 साल पुरानी कुछ होटल है। अभी तो हम 60 साल के हो गए, तो हम यही देख रहे हैं, यही पी रहे चाय। अच्छा, क्या खास बात है इस चाय में? वो उनके हाथ में क्या है, क्या माल? अच्छा, अल्लाह ने क्या, बेशक बेशक, बराबर। खास बात यह है कि वो भट्टी पर भी बनाते हैं। अच्छी बात है कि वो प्योर दूध वापरते हैं। अच्छा, उनके पास भैंसे है 20-25। अच्छा, प्योर दूध लाते हैं, वो दूध बनाते हैं और भट्टी पर है, गैस पर नहीं है। बराबर, भट्टी की चाय में और गैस की चाय में काफी फर्क है। बहुत ज़्यादा फर्क है जी। गैस की चाय में, भट्टी की चाय में बहुत ज़्यादा फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों बुजुर्गों का।